अनबॉक्सिंग करते हैं जी पास रिचार्जेबल फ़ैन। इसका मॉडल नंबर है GF21189। जी पास एक चाइनीज़ कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाती है और उसका हर एक प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता है। इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग होता है और चाइना में भी मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो जी पास का जो प्रोडक्ट है आपको GCC कंट्रीज़ में मिल जाएगा। तो अगर आप भी एक अच्छा रिचार्जेबल फ़ैन लेना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। वीडियो करते हैं स्टार्ट। बॉक्स को देख लेते हैं। जी पास रिचार्जेबल 12 इंच टेबल फ़ैन, 2 साल का वारंटी मिल जाता है। 2 साल में अगर फ़ैन ख़राब हो जाता है तो आपको सर्विस सेंटर से रिपेयर करके दिया जाएगा। सर्विस सेंटर केरला में है, कुन्नूर में और कैलीकट में। मॉडल नंबर GF21189। जब भी बैटरी को आप फुल चार्ज करते हो उसके बाद आप 4 घंटा तक फ़ैन को यूज़ कर सकते हो। पावरफुल मोटर हमें इसमें मिल जाती है। बैटरी है 6 वोल्ट 4.5 एम्पियर आवर लीड एसिड बैटरी हमें मिल जाती है। LED लाइट मिल जाती है। अगर आपके पास सोलर इनपुट चार्जर है तो उससे भी आप फ़ैन को चार्जिंग कर सकते हो। और 12 वोल्ट का एडेप्टर चार्जर है, उससे भी आप फ़ैन को चार्जिंग कर सकते हो। और डायरेक्ट 220 वोल्ट प्लग लगा के भी आप फ़ैन को चार्जिंग कर सकते हो। USB आउटपुट, मोबाइल भी चार्जिंग कर सकते हो और अप डाउन टिल्टिंग। लेकिन फ़ैन को मैंने देखा तो इसमें अप डाउन टिल्टिंग नहीं होता है। साइड से देखिए बॉक्स को, प्रोडक्ट का फीचर दिया गया है। बैटरी 6 वोल्ट 4.5 एम्पियर आवर लीड एसिड रिचार्जेबल बैटरी मिल जाती है। LED लाइट मिल जाती है। पावरफुल मोटर मिल जाती है। 5 लीफ ब्लेड, फैन में टोटल 5 ब्लेड मिलती है। USB आउटपुट 5 वोल्ट, मोबाइल भी चार्जिंग कर सकते हैं। DC इनपुट 12 वोल्ट, सोलर चार्जर से भी आप चार्जिंग कर सकते हैं, एडेप्टर चार्जर से भी चार्जिंग कर सकते हैं। और जब भी बैटरी फुल चार्ज रहेगा उसके बाद आप 25 घंटा तक LED लाइट को ऑन रख सकते हो। फ़ैन का टाइमिंग देखते हैं तो जब भी बैटरी फुल चार्ज है तब हाई स्पीड पे फ़ैन 2 घंटा तक चलेगा, मीडियम स्पीड पे 3 घंटा चलेगा और लो स्पीड पे 4 घंटा तक चलेगा। और आप डायरेक्ट 220 वोल्ट पावर कनेक्शन से भी फ़ैन को चार्जिंग कर सकते हो। ऊपर से देखिए बॉक्स को कैरी करने के लिए कोई हैंडल नहीं दिया गया है। जी पास का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके जी पास का प्रोडक्ट का डिटेल्स जान सकते हो। बेस्ट प्रोडक्ट, 100% ओरिजिनल। बॉक्स को ओपन करते हैं। चार्जिंग के लिए ये 220 वोल्ट केबल है। प्लग की बात करते हैं तो GCC कंट्रीज में यूज होने जाने वाले प्लग है, फ्यूजेबल प्लग है। ये जी पास गारंटी कार्ड है, वारंटी डिटेल और ये यूज़र मैनुअल। फैन को बाहर निकालते हैं। बॉक्स में कुछ नहीं है, बॉक्स को साइड में रखते हैं। अभी फ़ैन को देखते हैं। प्लास्टिक बॉडी क्वालिटी की बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया है जी पास ने। फ़ैन को कैरी करने के लिए आपको यहाँ से पकड़ के फ़ैन को कैरी करना पड़ेगा। डायमेंशन चेक करते हैं तो टोटल डाया है 12 इंच, टोटल विड्थ है 15 इंच और टोटल हाइट है 20 इंच। टोटल 5 ब्लेड इसमें मिलता है। ग्रिल देखिए तो जब भी आप फ़ैन को ऑन करते हैं ग्रिल भी रोटेट होगा। और अगर आप ग्रिल को नहीं रोटेट करना चाहते हैं तब यहाँ से टाइट करके ग्रिल को बंद कर सकते हैं। यहाँ पे जी पास का लोगो है। अगर आपको फ़ैन को क्लीन करना है तो आपको ये ग्रिल बाहर निकालना पड़ेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से घुमाना पड़ेगा, उसके बाद आप ग्रिल को बाहर निकल के फ़ैन को क्लीन कर सकते हैं। ग्रिल बाहर आ गया, उसके बाद यहाँ पे देखिए फ़ैन ओपन हो गया, उसके बाद आप फ़ैन को क्लीन कर सकते हैं। और ग्रिल लगा के रखिए, नहीं तो आपका बच्चा इसमें फिंगर डाल देगा तो इंजरी होने का भी चांस है। बटन्स देख लेते हैं। चार्जिंग इंडिकेटर यहाँ पे मिलता है। जब भी आप फ़ैन को चार्जिंग में रखते हैं यहाँ पे रेड इंडिकेटर लाइट आ जाएगा और बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा तब यहाँ पे ग्रीन इंडिकेटर लाइट आ जाएगा। जब भी आप फ़ैन को ऑन रखते हैं यहाँ पे पावर ग्रीन इंडिकेटर लाइट आ जाएगा। 12 वोल्ट का एडेप्टर चार्जर आपके पास है तो उससे भी आप चार्जिंग कर सकते हैं फ़ैन को, वो मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगा। मोबाइल चार्जिंग करना है तो आपको USB आउटपुट यहाँ पे मिल जाता है। और चार्जिंग का टाइम पे फ़ैन को ऑन रखना है तो आपको AC में रखना पड़ेगा फ़ैन को। और चार्जिंग में नहीं है फ़ैन तो वो टाइम पे आप DC में रख के फ़ैन को ऑन कर सकते हैं। LED लाइट को ऑन करने के लिए यहाँ पे बटन है, LED लाइट को ऑन करते हैं। तो LED लाइट को आप हाई मोड, लो मोड, मीडियम मोड में नहीं रख सकते हैं। अभी LED लाइट बंद कर देते हैं और फ़ैन को लो मोड, मीडियम मोड और हाई मोड में रख सकते हैं। अभी फ़ैन को ऑन करते हैं तो ये फ़ैन ऑन हो गया, मीडियम मोड में है। यहाँ पे ग्रीन इंडिकेटर लाइट भी आ गया। फ़ैन को लो मोड में करते हैं तो अभी फ़ैन लो मोड में है। लो मोड में फ़ैन 4 घंटा चलेगा, मीडियम मोड में 3 घंटा चलेगा और हाई मोड में 2 घंटा चलेगा।
फैन को बंद कर देते हैं, फैन को ऑन करते हैं। तो फैन अभी लो स्पीड पे है, मीडियम स्पीड पे करते हैं, अभी मीडियम स्पीड पे है, हाई स्पीड पे करते हैं। अभी फैन हाई स्पीड पे है, ग्रिल को आप रोटेट करना चाहते हैं, अभी यहाँ से लूज़ कर दीजिए तो ग्रिल रोटेट होता है। अगर ग्रिल रोटेट होता है तो आपको इक्वली एयर मिलता है। ग्रिल को नहीं रोटेट करना चाहते हैं तब आप यहाँ से टाइट कर दीजिए, ग्रिल रोटेट होना बंद हो जाएगा। साइड से देखिए फैन को, तो आप यहाँ पे 220 वोल्ट केबल कनेक्ट करके फैन को चार्जिंग कर सकते हैं। बैक साइड पे देखिए, तो बैक साइड पे फैन का ग्रिल देखिए, बैटरी सेक्शन यहाँ पे मिलता है। 4-5 साल के बाद बैटरी डाउन हो जाती है तब आपको बैटरी चेंज करने का ज़रूरत पड़ता है, तब आप यहाँ से खोल के बैटरी को चेंज कर सकते हैं। फ़ैन को चार्जिंग करके देखते हैं, आप 220 वोल्ट केबल से भी फ़ैन को चार्जिंग कर सकते हैं। 12 वोल्ट का चार्जर आपके पास है तो उससे भी फ़ैन आप चार्जिंग कर सकते हैं। दोनों केबल एक ही साथ नहीं लगाए, केबल में कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए रेड इंडिकेटर लाइट आ गया, 7-8 घंटे के बाद बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा तब यहाँ पे ग्रीन इंडिकेटर लाइट आ जाएगा। चार्जिंग का टाइप पे आप फ़ैन को ऑन करना चाहते हैं तब आप एसी मोड में जाके फ़ैन को ऑन कर सकते हैं। फ़ैन ऑन हो गया, लाइट को ऑन करना चाहते हैं तो लाइट भी ऑन हो जाएगी। अभी 12 वोल्ट एडाप्टर से फ़ैन चार्जिंग करके देखते हैं, तो ये केबल आप निकाल दीजिए तो बैटरी चार्जिंग होना शुरू हो गया। 12 वोल्ट का चार्जर आप कनेक्ट करते हैं तब फ़ैन ऑन होता नहीं है लेकिन लाइट ऑन हो जाएगी। अभी मोबाइल चार्जिंग करके देखते हैं, तो देखिए मोबाइल भी चार्जिंग होना शुरू हो गया। तो ये फास्ट चार्जिंग नहीं है, ये स्लो चार्जिंग भी नहीं है, ये ओनली चार्जिंग है। तो मोबाइल चार्जिंग होने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। तो बारिश का टाइम पे कभी कभी घर का बिजली चला जाता है तब आप फ़ैन भी यूज़ कर सकते हैं, लाइट भी यूज़ कर सकते हैं और मोबाइल भी चार्जिंग कर सकते हैं। वीडियो में आपने देखा जीपास 12 इंच रिचार्जेबल फ़ैन का रिव्यू। तो आप ये फ़ैन परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्वालिटी बहुत ही अच्छा है फ़ैन का। आप फ़ैन भी यूज़ कर सकते हैं, लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी बारिश का टाइम पे आपका घर का बिजली चला जाता है तब आपको ये फ़ैन बहुत ही काम आने वाला है। मोबाइल भी चार्जिंग कर सकते हैं इससे। तो अगर आप ये फ़ैन परचेस करना चाहते हैं, आपका मन में कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको दूंगा। बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो मैंने इसे परचेस किया है सिटी फ्लावर शॉपिंग मॉल से सऊदी अरेबिया में, और ये मुझे मिला 149 रियल में। 149 रियल का हिसाब से इंडिया का हो गया 3,300 रुपये के आसपास। तो आपको ये फ़ैन परचेस करना है, आपका कोई दोस्त रिश्तेदार सऊदी में है तो उसे बोल के आप ये फ़ैन मंगवा सकते हैं अपने लिए। तो दोस्तों अभी वीडियो को एंड करने का समय आ गया, वीडियो को एंड करते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।